हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल क्लास में। बिहार सरकार की नई भर्ती 2020 के बारे में जो कि इस वीडियो में बात करेंगे, तीन बड़ी भर्ती का अपडेट के बारे में जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। हम बात करेंगे यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में, दूसरा बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत वैकेंसी के बारे में, और यहाँ जो आया हुआ रिजल्ट उसके बारे में, और राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के एक और वैकेंसी के बारे में। तो तीनों को अपडेट जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, ताकि आगे भी आपको जॉब की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी का शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला अपडेट है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के नए नियम में हो सकता है संशोधन। और इसके रिगार्डिंग में मैंने वीडियो अपलोड किया था लगभग 4-5 दिन पहले कि यहाँ पर जो है 115 अंक का आप लोग का जो है यहाँ पर जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयन का आधार रखा गया है, उसमें कैसे कैसे मार्किंग होगा मैंने सारा कुछ वीडियो में आपको गाइड किया था, बताया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो उसी दिन से जो है विरोध जारी हो चुका है, विरोध हो रहा है कि ये सही चीज़ नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पर आया हुआ है बड़ा अपडेट जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि बिहार के अंतर्गत जो भर्ती होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो प्रदेश के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए हाल ही में अधिसूचित किए गए नियम में संशोधन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। और जानकारों के मुताबिक इसे संबंधित विभाग ने संज्ञान में लिया है और उच्च स्तरीय विचार विमर्श चल रहा है, और विशेषज्ञों की आपत्तियों को समझने का प्रयास किया जा रहा है, और इस मामले में शिक्षा विभाग व विश्वविद्यालय सेवा आयोग संवेदनशील दिख रहे हैं। और इसके मद्देनज़र के जो है जानकार नियम में बिहार छात्रों के हित में सकारात्मक कदम उठाए जाने की उम्मीद जता रहे हैं, हालांकि फिलहाल किसी ने इसकी पुष्टि अभी नहीं की है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है राज्यपाल ने अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर विरोध भी जारी हो गया है। और उम्मीद है कि वो जो नियम था कि जो नंबर ऑफ बेस पे चयन होगा 115 नंबर का, तो 100 नंबर का जो है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे गिनती होगा और 15 का इंटरव्यू होगा, तो उम्मीद है कि उस पर कुछ संशोधन हो सकता है। वही यहाँ पर अपडेट है जो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। बाकी हमारे साथ आप बने रहिए, आगे जैसे ही आता है अपडेट मैं उसका अपडेट जरूर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है इसका मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है जो कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन तरफ से जो स्टाफ ग्रेड ए नर्स का जो वैकेंसी भरा था आप लोगों ने 9130 पदों पर, तो यहाँ पर जो है फिलहाल 4997 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, ठीक है। और बाकी जो पद खाली रह गए हैं तो इनका जो है रिजल्ट आ चुका है, और जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है btsc.bih.nic.in, वहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हैं। उसका जो है मैंने लिंक डाल दिया है इसके जो नए वीडियो मैंने अपलोड किया उसके डिस्क्रिप्शन में, जाके आप देख सकते हैं। और तीसरा जो है फ्रेंड्स वो है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से बड़ा अपडेट क्या है कि विज्ञापन संख्या 5/2020 राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के विज्ञापन संख्या इतना के NHM अंतर्गत सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ के लिए GNM/BSc नर्सिंग के अभ्यर्थियों के जो है से आवेदन प्राप्त किया गया है, और विज्ञापन में फाइनल सिलेक्शन के आधार पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त प्राप्तांक का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो CBT होगा उसमें जो आप पास करेंगे, जो उसमें मार्क्स आएगा, उसी के बेस पे यहाँ पर बनेगा आप लोग का मेरिट लिस्ट। लेकिन COVID-19 वैश्विक महामारी संक्रमण के तथा इस संदर्भ में भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में CBT का आयोजन संभव प्रतीत नहीं होता है। तो यहाँ पर यानी कि आप लोग को जो है CBT एग्ज़ाम जो कि आप लोग को था इसका नोटिफिकेशन में गाइडलाइन में यहाँ पर, तो वो अब नहीं होगा। इसीलिए फलस्वरूप फाइनल सिलेक्शन का आधार अभ्यर्थियों द्वारा GNM/BSc नर्सिंग के अंतिम वर्ष के परीक्षा उत्तीर्णता में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर किए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि यहाँ पर जो मेन नोटिफिकेशन है वो ये है कि आप लोग को जो फॉर्म भरे थे सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है, जो कि GNM/BSc नर्सिंग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन लिया गया था, तो यहाँ पर आप लोग को CBT नहीं होगा, बल्कि जो आप लोग को GNM/BSc नर्सिंग में जो फाइनल ईयर में जो आप लोग को क्वालिफिकेशन मार्क्स है उसी के आधार पर आप लोग को चयन किया जाएगा। ये एक बड़ा अपडेट है जो कि आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी था। मैंने फ्रेंड्स अपने
चैनल के माध्यम से आप लोग को अपडेट दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अपडेट अच्छी लगी होगी, और इस तरह के फ्रेंड्स और भी चाहते हैं अपडेट, तो आप कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो आगे मिलते हैं नए वीडियो में एक और फ्रेश और नए नोटिफिकेशन और अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।